धरना प्रदर्शन कर रहे ये सभी लोग कानपुर के वित्त विहीन शिक्षक हैं। आज ये लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक संघ के लोगों का कहना है कि सरकार ने हम वित्त विहीन शिक्षकों से एक समान वेतन, पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन लागू करने और मेडिकल बीमा जैसी सुविधाओं की मांगों पर आश्वासन दिया था, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। पर चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, पदोन्नतियां और मृतक आश्रित की नियुक्तियां, ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। और जो प्रदेश की चारों मांगें हैं, पुरानी पेंशन बहाली और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, तो हमारा संगठन 10 दिन बाद 28 तारीख का ये सूचना उनको मिल गई है कि सभी शिक्षक पूरे प्रदेश में आज के दिन मास कैजुअल लेकर उपस्थित हैं, अगर नहीं तो जेल भरो आंदोलन, पूरे शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति के लोग, फिर सरकार की कितनी ताकत है वो देखेंगे, हम अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। इन शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे सरकार तक भेज दी हैं, जिस पर इन लोगों ने 10 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो ये लोग जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, साथ ही लखनऊ में इकट्ठा होकर सड़कों पर मार्च करेंगे। और उसकी एक कॉपी हम लोग मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भेजेंगे, अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे। 10 दिन के बाद जेल भरो आंदोलन है, और इसके बाद भी अगर वो नहीं ध्यान देते हैं, सरकार नहीं चेतती है, तो 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी में 4-5 लाख शिक्षकों कर्मचारियों को रोड मार्च होगा, और कोई भी अपनी घटना होगी वो सरकार की जिम्मेदारी, जो हमारे कदम बढ़ चुके हैं वापस नहीं हो सकते, हम लेके रहेंगे। वित्त विहीन शिक्षकों का यह धरना पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर चलाया गया था, जिसके लिए लोगों ने कैजुअल लीव भी ली हुई थी। न्यूज डेस्क, न्यूज 75।